आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी है कि जैसे अभी मध्य प्रदेश में तो आचार संहिता लग चुकी है, दोस्तों हम जो पहले से हमारे रनिंग वर्क हैं उन पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कंडीशन रहेगी, और बाकी स्टेट्स में जैसे काम चल रहा है तो उसी के तारतम्य में दोस्तों मैं आज जैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दिखाऊंगा कि हम मंथ जो है मई की जो मंथ बुक किस तरह से क्लोज कर सकें और किस तरह से मंथ मई का बैंक रिकॉन्सिलेशन कर सकें। अच्छा दोस्तों, जो मंथ बुक क्लोज करने में या डे बुक क्लोज करने में कोई सी विरार आ रही हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, तो मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा ईग्राम स्वराज पर वो पूरे आपके जो क्वेश्चन रहेंगे उसी पर आंसर देते हुए आपको बनाकर पोस्ट करूंगा। तो चलिए, हमने eGramSwaraj.gov.in पोर्टल ओपन कर लिया है, ईग्राम स्वराज पोर्टल। अब हम लॉगिन करते हैं दोस्तों मेकर लॉगिन से, ठीक है। चलिए मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसका स्विच यूनिट आएगा, तो हम स्विच यूनिट में फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 2022-23, ठीक है, और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह से होम पेज आ जाएगा मेकर लॉगिन का। अब हम सीधे चलेंगे पीरियड एंड प्रोसीजर्स, क्लोजिंग ऑफ बुक्स, और इसके बाद आएगा स्कीम वाइज डे बुक क्लोज। हमें जितनी भी स्कीम चल रही है हमारे राज्य में, हमारे ग्राम पंचायत में, उन सभी स्कीम की डे बुक को हमें क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ स्कीम नेम आ जाएगा, जैसे 14 फाइनेंस कमीशन है तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ लिखा रहा लास्ट डे बुक क्लोज 30 मार्च 2022, अब जो डे बुक टू भी क्लोज कौन से 31 मार्च 2022, ठीक है। तो हम क्लोज डे बुक करते हैं, तो मैसेज आ गया डे बुक क्लोज सक्सेसफुली, ठीक है। ओके पर क्लिक, फिर से पीरियड एंड प्रोसीजर्स, क्लोजिंग ऑफ बुक्स, स्कीम वाइज डे बुक क्लोज। तो दोस्तों हमें स्कीम जितनी भी हमारे राज्य में चल रही सारी स्कीम को हमें यहाँ से डे बुक को क्लोज करना पड़ेगा। अब XP फाइनेंस कमीशन कर लेते हैं, 15 फाइनेंस कमीशन, तो ये भी 30 तक क्लोज है, 31 की करना है, तो क्लोज डे बुक, तो मैसेज आ गया डे बुक 31 मार्च 2022 क्लोज्ड। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम कहाँ चलेंगे, मास्टर एंट्री पर। मास्टर एंट्री ये वाली स्टेप मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टर एंट्री पर क्लिक करेंगे, DSC मैनेजमेंट, इसके बाद आपको यहाँ सबसे आखिरी में ऑप्शन आता है साइन मंथ बुक फाइल, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके समक्ष इस तरह से दिखने लगेगा साइन मंथ बुक फाइल, सीरियल नंबर सेलेक्ट करना है आपको, इसे 14 फाइनेंस कमीशन, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए रेडियो 10 पर, 14 फाइनेंस कमीशन मंथ में फाइल नेम अप्लाई डिटेल सिग्नेचर। तो यहाँ क्या है, हमें मेकर लॉगिन से जो है, हम मेकर लॉगिन से लॉगिन किए हुए हैं, हमें सचिव महोदय की, पंचायत सचिव महोदय की यहाँ है जो है DSC लगाना है, ठीक है। तो हम DSC पहले कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं और फिर यहाँ से अप्लाई डिटेल सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। तो ये दोस्तों हमने कर दी है। अब हम इस पर क्या करेंगे, कुछ क्षणों का इंतजार करना पड़ता है हमें, उसके बाद हम क्लिक करेंगे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर, ठीक है। तो अब हम क्लिक करते हैं अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर। दोस्तों यहाँ जाएगा एंटर टोकन पासवर्ड, तो जो आपका DSC का पासवर्ड है पंचायत सचिव महोदय का वो यहाँ लिख दें। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने के बाद कन्फर्म साइनिंग पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप कन्फर्म साइनिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा जाएगा मंथ बुक फाइल साइन सक्सेसफुली। अब ये जो मंथ बुक फाइल साइंड हुई है सक्सेसफुली, ये 14 फाइनेंस कमीशन की हुई है। अब ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमें फिर से 15 फाइनेंस कमीशन की भी क्लोज करना पड़ेगा। ये देखिए, आप 15 फाइनेंस कमीशन है, यदि किसी स्टेट में, किसी राज्य में और भी कोई सी स्कीम चल रही है तो उनकी भी हमें मंथ बुक फाइल पर साइन करना पड़ेगा। मैं ये XP फाइनेंस कमीशन पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर कर देता हूँ। ये ओके पर क्लिक, ओके के बाद कंफर्म साइनिंग, मंथ बुक फाइल साइन सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक। तो अब दोस्तों जो है हमारी सारी स्कीम की जो है मंथ बुक फाइल साइन सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हम यहाँ से लॉग आउट होंगे और एडमिन लॉगिन से लॉगिन करेंगे। तो अब हम वापस होम पेज पर आ गए हैं ग्राम स्वराज के। अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे और मेकर लॉगिन से लॉगिन करेंगे और एडमिन लॉगिन से लॉगिन करेंगे, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया एडमिन लॉगिन से, ऐसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ भी स्विच यूनिट आती है, तो हम यहाँ भी 2022 और 23 सेलेक्ट कर लेंगे फाइनेंशियल ईयर। ये सेलेक्ट किया, कुछ देर क्षणों का इंतजार, फिर सबमिट पर क्लिक, फिर हम आ जाएंगे होम स्क्रीन पर। अब हम सीधे चलेंगे दोस्तों, आपको होम स्क्रीन दिख रही है एडमिन लॉगिन की। अब हमें कहाँ क्लिक करना है, पीरियड एंड प्रोसीजर्स, पीरियड एंड प्रोसीजर्स, क्लोजिंग ऑफ बुक्स। इसके बाद हमें कहाँ क्लिक करना है,
क्लोज मंथ बुक, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है क्लोज मंथ बुक, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके यहाँ लिखा आएगा फाइनेंशियल ईयर 2023 लास्ट मंथ बुक क्लोज कौन सी थी, अप्रैल 2022। अब मंथ बुक टू बी क्लोज्ड मई 2022 है ना, अप्रैल की हो गई थी, अब मई की जो है क्लोज होने जा रही, तो हम क्लोज मंथली बुक पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, तो एक आ जाता है अनक्लोज डेट, ये 31 मार्च 2022, क्योंकि एडमिन लॉगिन में क्लोज नहीं हुई थी दिख रही है। यदि आपकी और भी एडमिन लॉगिन से क्लोज नहीं होगी तो वो डेट दिखेंगी, तो हम क्लिक करेंगे क्लोज मंथली बुक, तो ये आएगा डे बुक ऑफ द सेलेक्टेड डेट्स विल बी क्लोज्ड, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, तो ओके पर हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये जो है हमारी एडमिन लॉगिन से जो मंथ बुक है वो क्लोज हो चुकी है। अब हमें कहाँ चलना है, फिर से पीरियड एंड प्रोसीजर्स, बैंक रिकॉन्सिलेशन और ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये आ गया है हमारा फाइनेंशियल ईयर आ गया है, अकाउंट टाइप आप बैंक सेलेक्ट करें, बैंक नेम सेलेक्ट कर लें, ब्रांच नेम सेलेक्ट कर लें, इसके बाद आपके पंचायत का अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर के बाद दोस्तों यहाँ लिखा जाए मंथ ऑफ रिकॉन्सिलेशन में, मतलब मई का क्लोज होने जा रहा है, बैलेंस है इस पर कैशबुक, ये है कैशबुक इसमें ऑनलाइन जो है। इसके बाद दोस्तों आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बैंक चार्जेस जो होंगे जो भी हैं आप यहाँ पर क्लिक कर उनको उनकी एंट्री कर सकते हैं, पूरी सिंपल सी एंट्रीज रहती हैं तो आप ये पूरी करके सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी बैंक में चार्जेस होंगे या डेबिट होगा तो वो इस अमाउंट से माइनस होगा, और जो भी क्रेडिट होगा बैंक में या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो वो इस अमाउंट में प्लस होगा। इस तरह से टोटल प्लस माइनस जो भी है हमें सभी कर आखिरी में अमाउंट को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको जो भी एंट्री करना है इसमें लिख सकते हैं, एडवर्टाइज क्रेडिटेड बाय बैंक, यदि कुछ क्रेडिट हुआ है बैंक द्वारा तो यहाँ उसको आप बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं, डिटेल भी लिख सकते हैं ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 14 फाइनेंस कमीशन या एक्सयू फाइनेंस कमीशन में तो यहाँ क्लिक कर उसकी एंट्री कर दें। यदि कुछ डेबिट हुआ है बैंक द्वारा तो उसको लिख दें, और यहाँ पर डेबिट को माइनस और क्रेडिट को प्लस कर दें, ठीक है, और अमाउंट को यहाँ पर लिख दें। यदि कुछ नहीं हुआ तो सेम अमाउंट यही का यही यहाँ पर लिख दें। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, रिकॉन्साइल पर क्लिक करना है। ये देखिए मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से और आ जाएगा। इसके बाद सीधे फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा जाएगा डिटेल्स ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन इज सेव्ड सक्सेसफुली, अब ओके पर हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हमारा जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन जो है सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब जो हम डे बुक क्लोज करेंगे तो वो कब की डे बुक क्लोज होगी, अब होने लगेगी, ठीक है। तो क्लोज डे बुक पर यदि क्लिक करेंगे हम तो यहाँ से जो है अब 1/6 मतलब 1 जून की जो डे बुक क्लोज होने लगेगी, ठीक है। ये देखिए क्लोज का मैसेज आ जाएगा, डे बुक ऑफ 1/6/2022 हैज़ बीन क्लोज सक्सेसफुली, ठीक है, मतलब हमारा पूरा कार्य सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों आपको इससे रिलेटेड जो डे बुक क्लोज या फिर मंथ बुक क्लोज से रिलेटेड कोई सी भी समस्या आ रही हो या बैंक रिकॉन्सिलेशन से संबंधित, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं, मैसेज बॉक्स में जो हमारे कमेंट बॉक्स जो है उसमें ज़रूर लिख दें, जिससे कि मैं अगला वीडियो आपके कमेंट्स पर ही बनाऊं, ठीक है, जो भी इसका सॉल्यूशन है उस पर आपको बनाकर पोस्ट कर दूं। तो मैं दोस्तों वीडियो जो बनाता हूं जो जीरो से सीख रहे हैं उनके लिए भी है, तो इसलिए आपको छोटी छोटी समस्या भी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में उसके क्वेश्चन ज़रूर लिखिए, जिससे कि मैं उसको अगले वीडियो में जो है उसका आंसर पे वीडियो बना सकूं, और आपको किसी प्रकार की कोई छोटी से भी छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी कोई समस्या नहीं रहे, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह आप बने रहिए, आपको हर अपडेट से मैं अवगत कराते जाऊंगा। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप शिक्षा से कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन ट्रेन से कर सकते हैं और सुपर थैंक्स के जरिए भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।